आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। जब से विक्रम आया है ना, हम लोग को परेशान कर दिया है। क्यों, ऐसा क्या करता है वो? सर, आए दिन शोर शराबा, शराब पीकर हंगामा करता है। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं उसे मिलने के लिए। सर, सब के सब क्रिमिनल दिखते हैं और कैसी कैसी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं उनके फ्लैट से। सर, आप लोग इतने सारे हैं और एक अकेले आदमी को हैंडल नहीं कर पा रहे। वो बातों से मान जाए तो बात अलग है, लेकिन विक्रम सर, कल तो उसने हद ही कर दी। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? हम सब लोगों ने सोचा कि एक बार जाकर उसको समझा देते हैं, लेकिन वो तो। सर, हम लोग गए थे लेकिन सामने गन लेकर खड़ा हो गया। बोलता है अगर दोबारा कोई इधर समझाने आया ना तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। गन भी है उसके पास? हाँ सर। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। अब तक आप लोग समझा रहे थे, अब हम समझाएंगे उसे अपने स्टाइल में। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ओह नो, इसके पेट पे गोली लगी है। निकल, इसे हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी। आप लोगों ने अपने सोसाइटी में ऐसे क्रिमिनल को रहने कैसे दिया? आप लोगों ने इंक्वायरी नहीं की उसकी? सर, शुरुआत में वो ठीक ही था, पर धीरे धीरे वो ऐसा रंग बदलेगा हमें पता नहीं था। इस विक्रम के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग? जब ये नया नया आया था तो बता रहा था वो इस शहर का नहीं है। शहर का नहीं है? नहीं सर। हाँ पूर्वी, कुछ मिला? सर, नोटों की गड्डी मिली और कुछ भी नहीं मिला। नोटों की गड्डी? विक्रम काम क्या करता था वो पता करना जरूरी है। देखो ढूंढो कुछ और मिलता है क्या। हाँ सचिन, कुछ मिला? कुछ खास तो नहीं सर, ये बॉक्स पड़ा है ऊपर। क्या है इसमें? फोटोस? माय गॉड, ओह नो, बच्चों की इतनी सारी तस्वीरें। ये विक्रम कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। सर, ये सारी फोटोज को देख के लगता है कि विक्रम बच्चों की किडनैपिंग का रैकेट चलाता था। सचिन, ये फोटो देखा? विक्रम बच्चों को मारता पीटता भी है, चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। पूर्वी सर, बाहर जो लोग खड़े हैं अंदर बुला। सर, एक्सक्यूज मी, आप लोग अंदर आइए। सर, आप लोग ये तस्वीरें देखिए। ये बच्चे कौन है? हमारा सवाल भी आप लोगों से यही है कि बच्चे कौन है। इनमें से किसी भी बच्चे को आपने यहाँ विक्रम के घर पे देखा? नहीं सर, पर कुछ लोग यहाँ आते थे क्रिमिनल टाइप के, लेकिन हमने किसी बच्चे को नहीं देखा आज तक। ठीक है, आप लोग बाहर खड़े हो जाइए। जी सर, हो सकता है ये विक्रम बच्चों की किडनैपिंग का रैकेट कहीं और से चलाता हो सकता है। सचिन, इन बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन अब
हमें ये विक्रम ही दे सकता है। लेकिन विक्रम को न जाने कब तक होश आएगा सर? क्या बात है पूरे? कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या बात है, तुम एकदम से परेशान लग रही हो? नहीं तो सर, I'm fine. Are you sure? Yes sir, I'm okay. वो एक्चुअली सर, वो इतने सारे बच्चों की तस्वीरें देखी ना, तो थोड़ा सा घबरा गई। विक्रम इन बच्चों को मारता पीटता भी होगा सर? पता नहीं क्या क्या किया है विक्रम ने इन बच्चों के साथ। इन सारे तस्वीरों को ब्यूरो ले चलो। सर ये बच्चा साल 1997 में किडनैप हुआ था। अच्छा, और ये वाला? सर ये साल 2005 में किडनैप हुआ था। हाँ जी, कुछ खास पता चला इन तस्वीरों से? ये देखो, ये सारे बच्चे 1987 से लेके 2012 के बीच में किडनैप हुए हैं, मगर सारे बच्चे अलग अलग जगह पे किडनैप हुए हैं। अलग अलग जगह से? हाँ, 1987 से 94 के बीच में सोमन फेरा, उसके बाद रेवागढ़, फिर कावागढ़ और फिर प्रिया नगर। विक्रम इन अलग अलग जगहों पे था और अलग अलग जगहों से ये बच्चे किडनैप किए गए। इसका मतलब हर 5-6 साल के बाद ये आदमी अपनी जगह बदलता था। ये विक्रम पिछले 25 सालों से किडनैपिंग का रिकॉर्ड चला रहा है। 50 से भी ज्यादा बच्चे किडनैप किए हैं इसने, इनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। अभिजीत, ये तस्वीरों के ऊपर ये लाल सर्कल क्यों किया गया है? ये लाल निशान वाले वो बच्चे हैं जिनकी किसी ने भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास पिछले 25 सालों में जो बच्चे गायब हैं उनका रिकॉर्ड है, उनमें इन बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। लोकल पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड चेक किए? वहां से भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली है। अभिजीत, इन बच्चों के माँ बाप से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अगर इस विक्रम के बारे में कुछ पता चल सकता है तो उन्हीं से पता चल सकता है। ठीक है, बुलाते हैं केक को। मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है बुरी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। तुम इन तस्वीरों को इतने ध्यान से देख रही हो, कोई सुराग मिला है क्या? ऐसे कोई बात नहीं सर, मैं बस ये सोच रही थी कि ये बच्चे कितने बदनसीब हैं। एक बार जो घर से लापता हुआ वापस घर लौटे ही नहीं। ये बच्चे बदनसीब तो है। कौन है? कौन है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसा है? Thank you.
आपकी बेटी पूर्वी? अरे मेरी कोई बेटी नहीं है। लीजिए पानी पीजिए। पापा आपको मुझे देख के कुछ भी याद नहीं आता? कुछ भी नहीं? पहली बार जब आप मुझे स्कूल छोड़ने गए थे, याद है वो दिन जब मेरा हाथ चला था और मैं रो रही थी? पापा याद है आपने मुझे जब डॉल लेकर दी थी? कुछ तो याद कीजिए पापा, कुछ तो याद कीजिए। आपको कुछ भी याद नहीं आता? कुछ भी नहीं? पूर्वी क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं संध्या जी, मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। हाँ वो मैं कुछ ढूंढ रही थी तो उसकी खटपट से पापा की नींद खुल गई। इतनी रात गए क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं, वो ऐसे कुछ पेपर्स, कोई खास बात नहीं है। बेटी तुम्हें इनकी हालत पता है ना, यूं अचानक मत आया कर। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कभी भी पैनिक अटैक पड़ सकता है। I'm sorry, संध्या जी, ये जो अल्जाइमर है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पापा की याददाश्त वापस आ जाए? बेटी तुमने हर अच्छे डॉक्टर को इन्हें दिखाया है, फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? अरे 10 मिनट की बात तो इन्हें याद नहीं रहती, फिर बीती जिंदगी की बात कहां से याद आएगी? पापा आज जिंदगी में पहली बार मैं अकेलापन महसूस कर रही हूं। बस एक सवाल सामने आके खड़ा हो गया। ये तस्वीर विक्रम के घर में क्या कर रही थी? सर 15 साल हो गए, क्या कोई उम्मीद है मेरे बेटे के आने की? प्रिया जी हमने किडनैपर को पकड़ लिया है। बताया उसने कुछ मेरे बेटे के बारे में? देखिए उसे गोली लगी है, वो अभी होश में नहीं है। विवेक जरा उसकी फोटो दिखाना। ये वो किडनैपर है, क्या आप लोगों ने देखा है इसे? नहीं। आपका बेटा 15 साल पहले किडनैप हुआ था ना, तो किसी ने आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की? की थी, मैंने उसे 20 लाख रुपए भी दिए थे, फिर भी उसने मेरे बच्चे को नहीं लौटाया। फिर उसके बाद किडनैपर ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं? नहीं सर, पिछले 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, ना तो हमारा बच्चा वापस आया और ना ही किडनैपर ने कभी दोबारा फोन किया। प्रिया जी हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, जैसे ही विक्रम को होश आ जाएगा आपके बेटे के बारे में हम जरूर उससे पूछ लेंगे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक ले जाओ इन्हें। आइए सर। सर हर केस में यही हुआ है, पैसे देने के बाद भी बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे। सर इस विक्रम ने जरा भी चांस नहीं लिया, बच्चों के जरिए वो पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने बच्चों को ही। बिल्कुल सही कह रहे हो दया। सर विक्रम ने जहां से भी पैसे मांगे हैं रकम कभी भी 20 लाख से कम नहीं थी। हाँ सर, कहीं कहीं से 50 लाख की भी डिमांड की थी उसने। 50 लाख? सर अगर 50 बच्चों के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन ये विक्रम इतना अमीर लगता नहीं है। ये बात तो है,
मतलब एक ही है, ये विक्रम इस शतरंज का सिर्फ एक प्यादा है और वजीर कोई और ही। सर, सर सोमन बेरा पुलिस स्टेशन से फोन था, उन्होंने बताया कि विक्रम 25 साल पहले वहां पे किसी के यहां नौकर था। विक्रम 25 साल पहले किसी के यहां नौकर था और अब नौकर का किडनैपर बन गया। सोन फेरा जाके इस विक्रम की कुंडली निकालो। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है, आप जल्दी से सीआईडी को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके। कांस्टेबल सर, आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन यहाँ पे? हेलो। हेलो कांस्टेबल रतन जी, मैं पूर्वी बोल रही सीआईडी ब्यूरो से। जी मैम, मैम आप लोगों को फोन करने वाला था, वो विक्रम को होश आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, हम लोग वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। और हाँ, तुम्हारी बीवी का फोन आया था, कह रही थी कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा है। मेरा मोबाइल नहीं लग रहा है? हाँ, कह रही थी कि कोई ज़रूरी काम है, तो मैंने उसे हॉस्पिटल का नंबर दे दिया है, तुम वहीं रिसेप्शन पर वेट करो, वो तुम्हें फ़ोन करती होगी। ओके मैम। ये फोटो तुम्हारे घर से मिली है। कहाँ से लाए थे इसको? मुझे नहीं। मैंने पूछा कहाँ से लाया था इस लड़की को, कहाँ से किडनैप किया था इस लड़की को? अरे बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। बोल नहीं तो जान से जाएगा तू। कहाँ से लाया था इस लड़की को? सर, विक्रम तो हमारा पुराना नौकर था और उसे काम छोड़े हुए 25 साल हो गए थे। काम छोड़ने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, वो तो बस ऐसे ही एक दिन चला गया। अच्छा, विक्रम के फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, काफ़ी पुरानी बात होगी, और डैडी होते तो शायद आपको बता भी पाते, अब तो वो रहे नहीं और उस समय मैं भी काफ़ी छोटा था। श्री विक्रम जहाँ जहाँ भी रहा, इसने अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ये आप लोग विक्रम के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है आखिर? उसने क्या किया ये बताने लगे तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे और हम बोलते बोलते हैं। अच्छा, जब आपके पिताजी ने इस विक्रम को काम पे रखा था तो कोई छानबीन नहीं की उसकी? नहीं सर, वैसे भी छोटे शहर में ये सब कौन करता है, और मुझे नहीं लगता है कि उसके वजह से हमें आज तक कोई परेशानी हुई थी। अच्छा, कोई खास मिलने आता था उससे? नहीं सर, कोई नहीं। नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से आपको परेशान करने आ जाएंगे। जी कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। कमाल है, बहुत ही शातिर है ये विक्रम, अपने कदमों के एक भी निशान नहीं छोड़े उसने। जी हाँ विजय, क्या विक्रम हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। सर, इस विक्रम की हालत तो इतनी खराब थी कि भागना तो दूर की बात है, अपने दम पे वो चल भी नहीं सकता था, तो भागा कैसे? सचिन, तुम और निखिल यहीं रहो और इस विक्रम के बारे में जानकारी निकालो।
देखो और क्या क्या पता चलता है उसके बारे में। विक्रम यहीं पर था ना? जी सर। तो फिर गायब कैसे हो गया? कहाँ गया वो? गायब हो गई मतलब? मतलब ये कि विक्रम अब यहाँ नहीं है। तो गया कहाँ? उसे तो इंस्पेक्टर पूर्वी अपने साथ लेकर गई है। क्या, इंस्पेक्टर पूर्वी यहाँ आई थी? जी सर। इंस्पेक्टर पूर्वी विक्रम को यहाँ से लेकर गई? जी सर। और वो कह रहे थे कि आपने उन्हें भेजा है। मैंने उसे भेजा विक्रम को लाने के लिए? ऐसे कहा पूर्वी ने? सर वो कह रहे थे कि विक्रम की जान को यहाँ खतरा है, इसलिए आपने उन्हें भेजा है उसे यहाँ से ले जाने के लिए। विक, फोन लगाओ पूर्वी को। यस। ये पूर्वी कर क्या रही है? झूठ बोलकर यहाँ आकर विक्रम को लेकर क्यों गई? और गई तो गई कहाँ उसे लेकर? सर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पूर्वी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है? सर जिस एम्बुलेंस में पूर्वी विक्रम को लेकर गई है उसे यहाँ पर देखा गया। वो देखो एम्बुलेंस खड़ी है। मतलब सर इन्फॉर्मेशन सही थी? आजकल हमारे खबरियों की खबर भी सही निकलने लगी है। काम करो एम्बुलेंस की तलाशी लो। सर ये मोबाइल मिला है। सर ये क्या हो सकता है? सर ये पूर्वी का लग रहा है। सर पूर्वी का? इसमें एसीपी साहब, अभिजीत, मेरा, हम सबके नंबर है इसमें। देखो संध्या जी, नमस्ते। नमस्ते एसीपी सर, आज आप लोग यहाँ? थोड़ा काम था। वैसे गिरीश जी कैसे हैं? क्या उनकी तबीयत में सुधार है? नहीं सर, पहले जैसी ही है। पूर्वी घर पर है? नहीं। कब से बाहर है? कल से वापस नहीं आई सर। कल से पूर्वी वापस नहीं आई? फोन वोन तो किया होगा? नहीं सर, सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे ठीक है संध्या जी, मगर इस फोटो को देखिए, विक्रम नाम है इसका। क्या पूर्वी ने कभी इस विक्रम के बारे में आपको कुछ बताया? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती और पूर्वी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ वो कुछ परेशान लग रही थी। पूर्वी परेशान लग रही थी? तो आपने पूछा नहीं पूर्वी से कि क्यों परेशान है? सर मैंने पूछा था तो, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बस अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ बताया नहीं? अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी? आप लोगों के साथ यहाँ आती थी मेरी लैब में, कैसी खामोश खड़ी हो जाती थी, चुपचाप। मुझे तो याद भी नहीं एक लफ्ज भी कभी बोली हो मेरे सामने। सर चुप रहने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि जो हमेशा चुप रहे वही निर्दोष हो? दुख तो इस बात का है कि मैं भी धोखा खा गया। मगर सर मैंने पूर्वी के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड देखा है, उसने कभी भी विक्रम को फोन नहीं किया था। और विक्रम? नहीं सर, विक्रम ने भी उसे फोन नहीं किया है। विक्रम ने भी कभी नहीं किया? नहीं सर। या फिर सारों की कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है? क्या बात कर रहे हो, कहीं कोई गलती नहीं हुई, एब्सोल्युटली कोई गलती नहीं हुई। सर वैन में जितने भी उंगलियों के निशान मिले सब के सब पूर्वी के ही है। सब के सब? हाँ सर, मुझे नहीं लगता कि
पूर्वी ऐसा करेगी। नहीं लगता का क्या मतलब है फ्रेडी? ये फिंगरप्रिंट्स जो हमें वैन में से मिले हैं किसके? पूर्वी के फिंगरप्रिंट है जो हमें वैन में से मिले हैं, पूर्वी के फिंगरप्रिंट। तो बताओ मुझे, मैं किसका नाम, बताओ मुझे किसका नाम लिया जाए। वो कहते ना, एक पल, सिर्फ एक पल इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है, और यहां एक गोली ने पूर्वी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस गोली ने, जानते हैं कौन सी गोली है? ये वो गोली है जिससे विक्रम की मौत हुई। मगर सर, पूर्वी का इस गोली से मतलब है विवेक, ये गोली पूर्वी की गन से चली, वो गन जो आपने उसे दी थी एसीपी साहब। पूर्वी ने विक्रम को मारा? पूर्वी ने? 101% बॉस, 101%। पता नहीं ऐसी कौन सी नफरत की आग जल रही थी पूर्वी के दिल में, जो पहले उसने विक्रम को हॉस्पिटल से उठाया और फिर उसे गोली मार दी। कैसे हो सकता है साणुखे, ये कैसे हो सकता है? पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है यार, एक सीआईडी ऑफिसर, और एक सीआईडी ऑफिसर ऐसी गलती कैसे कर सकता है? कर सकता है बॉस, नफरत की आग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। क्या विक्रम के साथ क्या लेना देना? ऐसा कौन सा कनेक्शन है पूर्वी का इस विक्रम के साथ? ये पूर्वी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों झूठ बोल रही है हमसे? यही समझ में नहीं आ रहा है सर। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला है उसके घर से, ये भी जाली है सर। जिस हॉस्पिटल ने ये सर्टिफिकेट बनाया, ये हॉस्पिटल दुनिया में कहीं है ही नहीं। बोलो, अपना अति छुपा रही है हमसे, समझ में नहीं आता है क्यों? सर, पूर्वी का इस तरह से गायब होना, विक्रम के खून में उसका हाथ होना, उस पर शक और भी मजबूत होता जा रहा है सर। या पूर्वी के अतीत के तार इस विक्रम से जुड़े हुए हैं सर। तुम सही कह रहे हो अभिजीत, उस दिन मैंने नोटिस तो किया था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया सर। क्या सर, जब पहली बार हम लोग विक्रम के घर गए थे, हाँ, तो पूर्वी इन बच्चों की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रही थी, और ब्यूरो में भी इन तस्वीरों को ऐसे देख रही थी जैसे इनमें कुछ ढूंढ रही हो। अच्छा, क्या क्या देख रही थी वो इन फोटोज में, क्या ढूंढ रही थी? कुछ तो होना चाहिए सर। सर, यहां से एक फोटो गायब है, ये देखिए, लाल सर्कल को मिटाया गया है, यहां पे एक फोटो थी। मतलब इस बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई थी। कौन हो सकता है ये बच्चा? सुमन फेरा, 1987 टू 1994। जरूर इस बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन है पूर्वी के साथ, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मगर सर, इस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट की फाइल तैयार की ही नहीं गई है, तो हमें पता कैसे चलेगा इसके बारे में? सर, ये फोटो 87 से 94 के बीच की है, सोमन फेरा। विक्रम उस वक्त सोमन फेरा में था। सोमन फेरा में जाके पता करते हैं सर, इस बच्चे के बारे में जरूर पता चल जाएगा। ये सारे लोग आसपास से ही आए हो, शायद इन्हें कुछ विक्रम के बारे में पता। नमस्ते। नमस्ते, नए लग रहे हो यहाँ पे? जी हाँ, वो ऐसे ही घूमने चले आए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। हाँ, सो तो है, लेकिन आप लोग आए कब? हम लोग कल ही आए, और आते ही एक अजीब सी बात सुनने को मिली। अच्छा, कैसी बात है? वो पास में जो बंगलो है ना, वहाँ से 25-30 साल पहले एक नौकर गायब हो गया। हमने तो नहीं सुना। वो क्या है कि बात बहुत पुरानी, 25-30 साल पुरानी, विक्रम नाम था उसका।
विक्रम अंकल। ये जगह तो काफी सुनसान है। भीड़ ज्यादा पसंद नहीं थी उन्हें, इसलिए रहते हैं यहाँ। ये विक्रम आता था यहाँ पे? हाँ। तुम्हारे इस विक्रम अंकल के साथ तुमने कभी किसी बच्चे को आते देखा क्या? नहीं। सर ये आदमी फ्रॉड लगता है, इसे विक्रम के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता? देखिए होशियार है ना। बॉस बोलिए। हाँ हाँ आप टेंशन मत लो बॉस। मुझे पता है बॉस, आगे क्या करना है आप बताइए, बाकी सब मैं देखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा। हाँ हाँ दोनों सीआईडी ऑफिसर हमारे कब्जे में हैं, उनका काम तमाम हो जाएगा। और आप पूर्वी की फिक्र मत कीजिए, वो अभी तक बेहोश है। एसीपी सर को फोन करती हूँ। मेरे घर का नंबर इसने आखिरी बार मेरे घर में फोन किया था। Papa.
हेलो हेलो सर। तो तू है सबके पीछे हा? नहीं सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो एक मोहरा हूँ। कौन है इसके पीछे, बॉस कौन है तेरा? वो आज आने वाला है सर। निकल, ले जाओ इसे। चल रहा है ये पूर्वी, हैं? क्यों किया तुमने ये सब? मजबूरी थी सर। मजबूरी? एक क्रिमिनल को तुमने हॉस्पिटल से भगाया, फिर उसे मार दिया, कैसी मजबूरी है? नहीं सर, मैंने विक्रम को हॉस्पिटल से भगाया जरूर है, पर उसे मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा सर। किसने मारा उसे? पता नहीं सर। सर, सर जब मैं विक्रम से पूछताछ कर रही थी ना, तो किसने मेरे सर पे तेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो यहाँ पर थी। क्या क्या पूछना चाहती थी तुम विक्रम से? क्या कनेक्शन है तुम्हारा विक्रम के साथ? सर, मैं नहीं बता सकती सर, मेरी मजबूरी है। पूर्वी, अपने गुनाहों को मजबूरी का नाम मत दो। हा? ये कौन सी मजबूरी है जो तुमने अपने फर्ज के साथ गतारी की? नहीं सर, हर इंसान से गलती होती है सर, सर आप लोगों से भी। तो क्यों किया तुमने ये सब? मुस्कान को बचाने के लिए सर। सर हम मजबूर हैं, आप पीछे मत आइए प्लीज। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया को नौकरी से निकाल दिया। किसको बचाना चाहती हो पूर्वी तुम? बोलो पूर्वी, कौन है वो? मेरे पापा को सर। मेरे पापा को सर। पापा को? क्यों, उन्हें कैसे खतरा है? आप लोगों से सर। क्या ये क्या उल्टा सीधा बोल रही तुम? साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहती हो? वो तस्वीर मैंने ब्यूरो से चुराई थी ना सर, वो मेरे बचपन की है। मतलब 25 साल पहले तुम भी किडनैप हुई थी? अभिजीत, आज तक जितने भी बच्चे किडनैप हुए सब मारे गए हैं, कि पूरी कैसे बच गए? सर यही सर जानने के लिए मैंने विक्रम को किडनैप किया था, और मुझे पता चला कि किडनैप के पीछे मेरे पापा का हाथ है। उन्होंने मुझे भी किडनैप किया था सर, और बाकी सारे बच्चों को भी। ये सब तुम्हारे पापा ने किया? सर, मैं परसों रिश्तों के बीच में फंस गई थी। एक तरफ मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अपनी अपनी जिंदगी की 25 साल मुझे दे दिए, ये जानते हुए भी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। सर, मैं जानती हूँ सर कि उन्होंने गुनाह किया है, वो गुनहगार है। 25 साल पहले उन्होंने मेरा किडनैप किया, लेकिन मैं ये सब नहीं जानना चाहती सर। आज जब मेरे पापा ऐसी हालत में सर,
मैं उन्हें गिरफ्तार होता हूँ कैसे देख सकती हूँ सा? कैसे देख सकती हूँ? कैसे देख सकती हूँ सा? फर्ज के सामने सब भूलना पड़ता है पूर्वी, परिवार, रिश्ते, सब कुछ। हमें तुम्हारे पापा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं सा, नहीं सा। कोई यार है? मैंने एक आदमी को फोन पे बात करते हुए सुना, ये आदमी जो आ रहा है शायद उनका बॉस है। पापा, ये यहाँ क्या कर रहे? इन सबके पीछे किसी का हाथ तो नहीं है? अब भूलने की बीमारी की एक्टिंग कर रहा है? तीन चार साल तक एक्टिंग करता रहेगा क्या? अभिजीत, इसे एक्टिंग तो सिर्फ पूर्वी के सामने करनी है, बाकी एक्टिंग क्यों करेगा? मुझे कुछ याद नहीं, कौन हो तुम? अरे मैं कहां से उठा के लाया? देखो, देखो, ड्रामा मत कर। मैंने आपको उस क्रिमिनल से बात करते हुए सुन लिया था। आपने उससे कहा था कि आप यहाँ आ रहे हैं। मैंने उसके मोबाइल पे अपने घर का नंबर देखा था। झूठ है ये, मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे तो उसने भेजा था। किसने भेजा है? सर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें किसी ने नहीं भेजा सर। नहीं पूर्वी, शायद ये सच बोल रहे हैं। सर अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर इस सब के पीछे कौन है? कौन है सर इस सब के पीछे? मेरे माँ बाप कौन है और कहाँ है? तुम्हारा बाप बहुत अमीर था, माँ मर चुकी थी तुम्हारी, तो मैंने सोचा तुम्हारे बाप के साथ शादी करके क्राइम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और सुकून की जिंदगी जीऊंगी। लेकिन बाद में पता चला तुम्हारे बाप के पास उस बंगले के अलावा और कुछ नहीं है और सारा पैसा बिजनेस में डूब चुका है। मैंने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मार डाला। क्या तुमने मेरे पापा को मार दिया? क्यों मारा मेरे पापा को? बोला क्यों मारा मेरे पापा को? पूर्वी, पूर्वी, कंट्रोल यूरसेल्फ। इन सब के बीच में गिरीश अंकल कहां से आ गए? गिरीश मेरा दोस्त था, उसे मेरे काम के बारे में कुछ पता नहीं था। जिस दिन विक्रम
पूर्वी को मारने जा रहा था, पता नहीं कहां से गिरे इस बीच में आ गया और वो पूर्वी को लेकर भाग गया। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। ये तो 25 साल पहले की बात है ना? हाँ। तो वापस गिरीश की जिंदगी में कैसे आई? विक्रम ने गिरीश को मुंबई में देखा और जब उसे पता चला कि पूर्वी सीआईडी में काम करती है तो डर गया और उसने मुझे आकर बताया। और मैं जब गिरीश से मिलने गई तो मुझे पता चला कि उसे भूलने की बीमारी है। तो मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या खतरा हो सकता है, बल्कि इसका तो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये विक्रम, उसे तुमने क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? हाँ। पर जो उसकी हालत थी, उसके जरिए सीआईडी मुझ तक कभी भी पहुंच सकती थी, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। किस तरह की इंसान है आप? किस तरह की? दिल नाम की कोई चीज नहीं है आप में संध्या जी, दिल नाम की कोई चीज नहीं है। एक बीमार आदमी का गैर फायदा उठाया, अपने साथी का खून किया और न जाने कितने मासूम बच्चों की जाने ली। आपके लिए तो फांसी की सजा भी कम है, लेकिन ले जाओ इन्हें। चलिए। पूर्वी, भूल जाओ बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं हैं, फिर भी तुम्हें एक अच्छी परवरिश तो मिली है ना? है ना? देखो पूर्वी, तुम्हारे पिताजी ना होने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हें पिता जैसा ही प्यार दिया है। क्यों, भूल जाओ। देखो बेटा, जिंदगी जो कुछ भी देती है ना, उसे अपनाना चाहिए। चल आके पूछो और अब हंसो। गुड गर्ल, जाओ जाओ अपने पिताजी के पास। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.